कुछ देर की है खामोशी फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है हमारा दौर आएगा। विशाल मलिक का मोदी सरकार को पैगाम, कश्मीरियों की हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया ने कहा कि भारत ने 5 अगस्त 2019 से कश्मीरियों को कैद कर रखा है, हुर्रियत रहनुमाओं को जेलों में तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मैं सारे पाकिस्तानी कौम की शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हर कोने से, हर गली से, हर कूचे से, हर गांव से, हर कस्बे से, हर शहर से पाकिस्तान के कश्मीरियों की आज़ादी के नारे गूंज रहे हैं। और आज के दिन सारा पाकिस्तान, 22 करोड़ आवाम जो हर साल की तरह कश्मीरियों की आवाज़ बनता है और हमारे दुखों में हमारे साथ होते हैं, इस दफा की जो नौयत है 5 फरवरी की, ऐसी कभी ना थी, इतनी घिनौनी, इतनी खौफनाक। जो 5 अगस्त से जो फैसला हिंदुस्तान ने लिया है, पूरी मुकम्मल मकबूजा जम्मू कश्मीर को जो है कर्फ्यू की शक्ल में बंद कर दिया है, कैद कर दिया है, पूरी दुनिया से उसका रابطہ ख़त्म कर दिया है। तो आप सब लोग हमारी आवाज़ बने इसी तरह, और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जो घिनौना चेहरा है, जो कब्जा किया हुआ है, जो सारे पॉलिटिकल हजारों लाखों की तादाद में प्रिजनर्स हैं इस वक्त, जो हुर्रियत रहनुमा हैं, जो कैदों में बंद हैं, जिनको टॉर्चर किया जा रहा है, हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। तो आखिर में मैं आप सबको एक ही पैगाम दूंगी, सारी दुनिया में इस पैगाम को फैलाएं। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है हमारा दौर आएगा।